कार्टिजन प्रोडक्ट कार्तिक गुणनफल के बारे में बता दिया है, अब हम उसी के एक्सरसाइज हल करेंगे। उस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न लिखे हैं मैंने, देखिए पहला प्रश्न इफ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, हिंदी में पढ़ेंगे तो यदि हो गया, इफ ये कंडीशन दे रखी है x अपॉन 3 + y - 2/3 = 5/3, 1/3। तो जो आपको कार्टिजन प्रोडक्ट बताते हैं तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर वर्ड समझाया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न हल हो गया। तो यहीं पर देखिए क्या हल हो जाएगा इसका, आपको ये दो खुद से ये एक पेयर है ना, पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट और ये भी पेयर है, तो पेयर तभी इक्वल होगा जब फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल। तो x अपॉन 3 + 1 किसके इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ के फर्स्ट के इक्वल, 5/3। बाकी आप पक्षांतर करके हल कर लीजिए, ये एक्स अपॉन 3 + 1 = 5/3 है, जब आप इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, x/3 = 5/3 - 1। और लॉस ऑफ ऑल लेके हल करिए 5/3 - 1 को, इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, हल करके आ जाएगा 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से कुछ समझ में आ गया कि x बराबर क्या आ गया 2। तो x का मान सीधे निकल गया, ऐसे ही y का मान निकाल लीजिए। y का मान निकालने के लिए दूसरा एलिमेंट y - 2/3 है और वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल। फिर पक्षांतर करिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 यहाँ पहले से है, धन 2/3, तो दोनों का एलसीएम लेके ऐड करवा दीजिए, ये 3/3 और ये हल्के आ जाएगा 1। तो आप समझ गए इसका उत्तर x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये उससे संबंधित था। अब दूसरा प्रश्न जो लिखा है, इफ द सेट ए मीन्स कोई एक समुच्चय ए दिया है जिसके पास 3 एलिमेंट अवयव है एंड द सेट बी, और जो दूसरा समुच्चय बी है उसमें 3, 4, 5, ए के पास कौन है ये नहीं दिया है, कितने हैं ये दिया हुआ है। तो ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 है। इसको हम फॉर्मूले से समझें तो अगर किसी समुच्चय के पास 3 अवयव हैं का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3। जब आप प्रश्न हल करते हैं तो पढ़ते रहिए और उसको नोटेशन फॉर्म में लिखते रहिए। तो इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट या किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं कह रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 और बी में 3, 4, 5। तो एलिमेंट दिए हैं और लेकिन पूछा गया है, पूछे एलिमेंट ही पूछे, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे पूछे, तो बी के भी अवयव लिखने की जरूरत नहीं है। बी में कितने अवयव हैं सोचिए आप, बी में कितने अवयव हैं, गिनके देखिए 3 अवयव हैं। और क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी में कार्टिजन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ये भी सूत्र बताया था आपको कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, जितने ए में अवयव हैं गुणा बी में जितने अवयव हैं। तो ए और बी के अवयवों की संख्या 3 और 3, 3 को 3 से गुणा कर दिए कितना आ गया 9। तो ये जो दोनों ही आपसे कहा था कि ये आपकी प्रश्नावली में काम आएंगे, तो प्रश्नावली हल कर वही सूत्र आपके प्रश्नावली हल करते वक्त प्रयोग हो रहे हैं। तीसरा भी देखिए, इसमें समुच्चय का नाम एबीसीडी करके नहीं लिखा, जी या एच करके लिख दिया है। तो जी में आप देखिए 7 और 8 2 अवयव हैं और एच में 5, 4 2 अवयव लिखे हैं, और आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो ये तीसरे प्रश्न का हल देखिए, तो जी में क्या है 7 और 8, एच में क्या है 5, 4, 2, ये किसमें है एच में, और आपसे क्या फाइंड आउट करने गया जी क्रॉस एच। तो आपको समझाया था कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, जी के अवयवों को एच के साथ कनेक्ट करिए, तो जी का 7 अगर कनेक्ट कराऊंगा तो किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, 7, 5, 7, 4, 7, 2। फिर 8 भी तो उसी का अवयव है, 8 कनेक्ट होगा तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2, तो ये क्या बन गया जी क्रॉस एच। और इसी के साथ क्या पूछा है, एच क्रॉस जी भी पूछा है, एच क्रॉस जी पूछा है तो पहले एच के अवयव आएंगे, तो एच के अवयव क्या है 5, किससे साथ कनेक्ट होने जी के साथ, तो 5 किसके साथ कनेक्ट होगा 7 के साथ, 5 किसके साथ कनेक्ट होगा 8 के साथ, ऐसी 4 किसके साथ 7 के साथ, 4, 8 के साथ, ऐसी 2 किसके साथ 7 के साथ और 2, 8 के साथ। इस प्रश्न को हल करते हो तो आप समझ गए होंगे कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी सेम नहीं होते। तो आपसे पूछेगा कभी क्या कार्टिजन कार्तीय गुणन क्रम विनिमय होता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। ठीक, तो ये तीसरा प्रश्न भी आपका समझ में आ गया होगा। एक ही समुच्चय दिया है और आपसे ए क्रॉस ए क्रॉस ए पूछा है, आपने तो 2 का ही पढ़ा है, तो 3 का किस तरह से हल करेंगे वो भी समझिए। तो ए में क्या है -1, 1 दिए हैं, तो पहले दूसरे बार अपने समझ लेंगे, दोबारा ए को लिख लीजिए -1, 1 ये हो गया, तो पहले ए क्रॉस ए निकालिए, सीधे 3 मत निकालिए आप, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए में क्या आएगा, ए का अवयव ए के अवयव के साथ ही कनेक्ट होगा, तो -1 किसके साथ कनेक्ट हुआ -1 के साथ, -1 किसके साथ कनेक्ट हुआ 1 के साथ, ऐसी फिर 1 किससे कनेक्ट हुआ -1 के साथ और 1 किससे कनेक्ट हुआ 1 से, तो ये हुआ ए क्रॉस ए। अब इस पूरे को एक समुच्चय सोचिए, तो ए क्रॉस ए को एक समुच्चय सोचिए, उसको फिर से ए के साथ काट देना, तो ए क्रॉस ए का पहला अवयव ये ए के साथ कनेक्ट होना है, तो ए के अवयवों के साथ, तो -1 -1 -1 के साथ, फिर ऐसी पहला एलिमेंट इसका -1 -1 है, वहां का 1 है,
ये इसके साथ ऐसी इसके साथ कनेक्ट करवाइए, तो माइनस वन वन पहले से ही है वहां का माइनस वन, और माइनस वन वन पहले से ही है वहां का वन, ये कनेक्ट हो गया। अब तीसरा अवयव कनेक्ट कराइए, आज नई लाइन में देता हूं मैं, वन माइनस वन माइनस वन के साथ, वन माइनस वन वन के साथ, ऐसी वन वन माइनस वन के साथ, वन 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 के साथ, ऐसी आपसे चार का भी पूछेगा तो आप चार का भी कर सकते हो, लेकिन सीधे तीन का एक साथ करने में गलती करोगे, इसलिए पहले एक रॉस ए को समझिए, फिर एक रॉस ए को पूरा एक समुचा सोचिए, उसको दूसरे के साथ, इसके अवयव ए के अवयव के साथ एक एक करके क्रम को जोड़े बनाएंगे, ठीक। चलिए छठा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में लिखा है कि आपको एक रॉस भी दिया है, एक रॉस भी समुच्चय दिया, अभी तक आपने देखा क्रॉस आप निकाल रहे थे, इसमें दिया है ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई, ये दिए हैं, और आपको जब परिभाषा बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो आपसे कहा था जोड़े आते हैं, आए हैं ना सब जगह जोड़े, दो लोगों का है, उसमें फिर क्या समझाया था, जो पहला अवयव होगा वो पहले समुच्चय का और जो दूसरा अवयव होगा वो दूसरे समुच्चय का, अगर ये परिभाषा आपके दिमाग में बैठी है तो आप क्या समझ जाओगे, ए कहाँ का है, ए का, बी एक्स कहाँ का है, बी का, लेकिन अगर इसको देखोगे तो यहां से ए ए का, ये तो लिखाइए मैं दोबारा क्या लिखूं, वाई कहाँ का, बी का, वाई कहाँ का, बी का, इससे क्या समझ में आ रहा, बी किसका, ए का, ये नहीं लिखा है तो लिखता हूं मैं बी ए का, एक्स कहाँ का, बी का, एक्स बी का लिखा है दोबारा नहीं लिखा, फिर बी कॉमा वाई में बी कहाँ का, ए का, और वाई कहाँ का, बी का, वो लिखे थे इसलिए दोबारा नहीं लिखे। तो आपसे पूछा है कि ए और बी समुच्चय बताइए, तो आप देखिए ए में कौन कौन से अवयव आ गए, ए में स्मॉल ए आ गया और स्मॉल बी आ गया, तो ए के अवयव ये बन गए और बी के अवयव कौन बन गए, एक्स तथा वाई। इसी प्रश्न को अगर मैं डायरेक्ट हल करता तो सीधे सीधे ये लिखता, जो पहले पहले अवयव लिखे हैं उनको आप ए में लिख दीजिए, तो ए ए बी बी लिखते हैं आप, यहाँ क्या लिखते हैं, ए ए बी बी, लेकिन आपको बेसिक डेफिनेशन बताई होगी सेट थ्योरी में कि सेट को लिखते वक्त एलिमेंट रिपीट नहीं करवाते हैं, इसलिए आप ए बी लिखते हैं, और जो सेकंड सेकंड नंबर पर लिखे हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं, और नई तरीके से करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा ये सिक्स। इसमें ए में एलिमेंट कितने हैं दिया है, एन ए आपको बताया था कार्डिनलिटी या सेट में कितने अवयव हैं इस बात को इंडिकेट करता है, तो ए में कितने अवयव हैं कह रहा तीन, ऐसी बी में कितने हैं कह रहा दो, और आपसे क्या कह रहा है, x कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा वन, ये कहां के अवयव हैं, ए क्रॉस बी के, मीन्स उसको मैथमेटिकल नोटेशन लिखूं, किसी समुच्चय के कोई अवयव हैं, अवयव हैं के लिए बिलोंग्स टू, नहीं है के लिए इसको कट करते हैं और पढ़ते वक्त डज नॉट बिलोंग्स टू करते हैं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को याद करिए, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, पेयर आते हैं, सबके सब पेयर में है, पहला अवयव पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तो पहला एलिमेंट एक्स, पहला एलिमेंट वाई, पहला एलिमेंट जेड, ये सब कहां के, एक है, और जो दूसरा एलिमेंट वन, दूसरा एलिमेंट टू, दूसरा एलिमेंट फिर वन, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इस पे वन और टू कहां के आ गए, बी के। तो अगर आपसे ए और बी समुच्चय पूछे हैं तो आप ए और बी लिख लेते, ए में क्या क्या अवयव आ जाते, एक्स वाई और जेड, और बी में क्या आ जाते, वन और टू, लेकिन इस प्रश्न में ए क्रॉस बी पूछा हुआ है, तो जब ए और बी फाइंड आउट करोगे तभी ए क्रॉस बी निकालना आपके लिए आसान होगा। तो ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा, आते हैं जोड़े लिखने, तो x के साथ बनाइए वन का, x के साथ टू का, ऐसी y के साथ बनाइए y वन y टू, ऐसी z के साथ z वन एंड z टू। तो ये सब जो आपको डेफिनेशन समझाई थी वहां से आपके प्रश्न हल होते आ रहे हैं। अब एक लास्ट प्रश्न देखिए, आपके हिसाब का a क्रॉस a हैज नाइन एलिमेंट, तो जो मैंने कहा था ए क्रॉस ए के पास नौ अवयव हैं, ये कहना चाह रहा है, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू नाइन, और फॉर्मूले के हिसाब से मैं समझ जाऊं तो क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट इक्वल टू, लेकिन ये दो अलग अलग समुच्चय थोड़ी क्या एक ही है, अगर इसमें एक्स अवयव होते तो इसमें भी एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना हो गया थ्री, इसका मतलब ए जो समुच्चय लिखने वाला है उसमें कितना अवयव आएंगे, तीन, पूछा तो नहीं था लेकिन ऐसा। अब फिर क्या लिखा है उसके बाद, माइनस वन जीरो और जीरो कॉमा वन कहाँ के एलिमेंट हैं, विच आर फाउंड इन माइनस वन कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन, किसे मिलते हैं, ए क्रॉस ए में ये लोग मिलते हैं, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस ए में, फिर ए क्रॉस ए में जोड़े आने चाहिए, बिल्कुल है जोड़े, तो ये पहला एलिमेंट माइनस वन यहाँ का पहला जीरो, ये किसमें, ए में, और जो दूसरा लिखा है उसके हिसाब से इसका दूसरा ये भी किसमें, ए में, लेकिन ए के अलग अलग सेट है, नहीं एक ही सेट है, इसका मतलब ये तीनों लोग इसमें मिक्स करिए, ये माइनस वन जीरो दोनों बार क्या लिखना है, एक बार लिखा गया, ये तीनों ही एलिमेंट कहाँ के आ गए, ए के आ गए, इसका मतलब क्या ये ए पूरा मिल गया, पता कर लिया था मैंने पहले, ए में तीन ही एलिमेंट थे और मैंने ये तीनों ही फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब ए में कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ए समुच्चय क्या बन जाएगा, माइनस वन जीरो वन, आप अलग क्रम भी लिख सकते थे इसका,
फिर आपसे पूछा है रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे और ए क्रॉस ए निकालने के बाद जो दो एलिमेंट इसने दिए हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। धन्यवाद।